राष्ट्रपति जेलेन्स्की द्वारा मंगलवार फ्रंटलाइन शहर वाक्तुम को भ्रमण। वाक्तुम शहर में डटी रहने कि छोड़ने भन्ने विषय में युक्रेनी नेतृत्व में विवाद भएपछि जेलेन्स्की को भ्रमण। आफ्ना जति सैनिक मरे पनि शहर कब्जा में रही रहनु पर्ने अडान। जेलेन्स्कीले वाशिंगटन भ्रमण करने बाइडेन द्वारा पुष्टि। अमेरिका जाँदै गरेको युक्रेन का राष्ट्रपति जेलेन्स्की को दावी। जेलेन्स्कीले अमेरिकी कंग्रेसलाई संबोधन करने। बाइडेनले युक्रेन को लागि महत्वपूर्ण नया सुरक्षा पैकेज घोषणा करने। अमेरिकाले युक्रेनलाई 1.8 बिलियन डलर सहयोग पैट्रियट बैटरी पठाउने। जर्मनीले 2 अर्ब 3 करोड़ बराबर को सैन्य सामग्री युक्रेन पठायो। रूसबाट युक्रेन हुँदै युरेन गोई पोमारी उजोरोड गैस निर्यात करने पाइपलाइन में विस्फोट। युक्रेनलाई आफ्नो ऊर्जा पूर्वाधार में नया रूसी आक्रमण को लागि तैयार रहन चेतावनी। चीनिया राष्ट्रपति ने रूस का मेदवेदेवलाई भने चीनले युक्रेन संकट में सबै पक्षहरूले राजनीतिक माध्यमबाट सुरक्षा चिन्ताहरू समाधान गर्ने आशा गर्दछ। पूर्वी युक्रेन का 4 क्षेत्र डोनेस्क लुहांस्क ज्यापोरिजिया र खेर्सन को अवस्थालाई सेप्टेम्बर में कब्जा गरेको मस्को को अवस्था अत्यंत कठिन। पुटिनले बुधवार 2023 को सैन्य लक्ष्य प्राप्त करने। युक्रेन को युद्ध में रूसलाई ईरानले दिएको समर्थन र देशमा विपक्षीमाथि भइरहेको दमनको युरोपेली संघका विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोलेर द्वारा निन्दा। युक्रेन को आफ्नो सार्वजनिक स्थानबाट सोभियत र रूसी प्रभाव को अवशेष मेटाउने प्रयासलाई तीव्रता दिदै मस्कोले युक्रेन में आक्रमण गरेपछि पश्चिम विरोधी गठबंधन बलियो भएको दुई देश बीच को सहयोगलाई अझ गहिरो बनाउने उद्देश्यले चीनिया रूस नौसैनिक अभ्यास सुरु। चीन युक्रेनी समूहहरूले जाड़ो बढ्दै जाँदा संयुक्त राज्य संघ को नया कोष पाउने। पुटिनले आफ्ना ब्राजिल र रूस बीचको सम्बन्ध सुदृढ हुने अपेक्षा गरेको ब्राजिलका लुलाको भनाई। कजानको पश्चिममा रूस युक्रेन ग्यास निर्यात पाइपलाइन बन्द हुँदा 3 जनाको मृत्यु। बेलारूसद्वारा युक्रेन रसिया सीमा क्षेत्रका केही भागहरूमा पहुँच सीमित। किबमा बिजुली आपूर्ति महत्त्वपूर्ण स्तरमा गभर्नर